नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुलश्रेष्ठ है। कैरियर वर्ल्ड में आपका स्वागत है और आज हम आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका एक बिंदु पर चर्चा करने के लिए आए हैं और उसमें हम उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं उनको आज हम डिस्कशन करेंगे। ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की आगामी परीक्षा जैसे पीसीएस, लोअर पीसीएस और बहुत सी आने वाली परीक्षाएं उनको ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सबसे बड़ी यहां पर यह है कि आज हिंदी माध्यम के छात्रों की एक सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है कि वह इस असमंजस में है कि वो क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम उत्तर प्रदेश के कुछ वीडियोस आपके सामने लेकर आएंगे जिसमें हम उत्तर प्रदेश के बारी बारी से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको प्रस्तुत करेंगे और उन महत्वपूर्ण जानकारियों के माध्यम से अगर केवल और केवल आप वीडियो को फॉलोअप करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियों को क्या क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या क्या जानकारी जनसंख्या से संबंधित आपको पढ़ना है और यहां पर किस तरह से आपको तैयारी करना है जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो सके। अक्सर परीक्षाओं में इन प्रश्नों की जो संख्या है वो 2 से 3 रहती है और 2 से 3 अगर संख्या रहती है तो इसका अर्थ है सीधा सीधा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यहां पर प्रश्न परीक्षाओं में। तो उसी को ध्यान में रखकर यह तैयार किया है। तो चलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों की चर्चा करने के लिए। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के अगर हम जनसंख्या के आंकड़े देखें तो 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या और उनका अगर हम प्रतिशत देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो यह लगभग 3,07,91,331 है और के रूप में अगर देखें तो 15.41% के रूप में यहां पर आंकड़े प्रस्तुत हैं। दूसरी तरफ यहां पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत के रूप में अगर उत्तर प्रदेश का स्थान और अन्य चीजें देखें और प्रतिशत देखें तो यहां पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19,98,12,341 है और प्रतिशत अगर देखा जाए देश के प्रतिशत के रूप में तो 16.51% के रूप में यहां पर आंकड़े निकल कर आते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश का अगर हम जनसंख्या में विश्व में स्थान देखें तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का विश्व में स्थान एक तरह से 5वां है और 5वें स्थान के रूप में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद में उसका स्थान 5वां आता है यहां पर। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुल पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 92.29% के रूप में यहां पर पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का। वहीं पर महिला जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए 2011 के अनुसार तो लगभग यहां पर 47.41% यहां पर कुल महिला जनसंख्या का प्रतिशत है 2011 के अनुसार। यहां पर दूसरी तरफ अगर देखें तो कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 2011 के अनुसार लगभग यहां पर नगरीय जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 22.27% यहां पर बना हुआ है और ग्रामीण जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो लगभग यहां पर 77.73% के आंकड़े दिखाई देते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का अगर स्थान देखा जाए तो देश में प्रथम स्थान यहां पर निकल कर आता है और 18.63% के रूप में यहां पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दिखाई देती है। वहीं पर 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 के और वार्षिक वृद्धि दर अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो औसत 10 के और वार्षिक वृद्धि दर अगर देखें तो 20.23% और 1.23
8.5% के रूप में यहां पर दिखाई देती है बेसिकली। उत्तर प्रदेश के अन्य आंकड़ों की अगर हम बात करें तो देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर आता है यहां पर, इसको आपको याद रखना है बेसिकली। वहीं पर 2001 से 2011 के दौरान वृद्धि दर में गिरावट हुई है उत्तर प्रदेश में, यहां पर लगभग 5.62%। वहीं पर अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें तो दशकीय वृद्धि में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है पांचवा। उत्तर प्रदेश का स्थान यहां पर पांचवा है और उत्तर प्रदेश का अगर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार देखा जाए तो 829 यहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर के रूप में दिखाई देता है बेसिकली। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में अगर वृद्धि यहां पर देखी जाए तो ऐसी कंडीशंस में जनघनत्व में अगर वृद्धि की अगर हम बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो यह लगभग 139 की दिखाई देती है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अन्य आंकड़ों की अगर हम बात करें तो जनघनत्व में यहां पर स्थान अगर 2011 में देखा जाए सभी राज्यों के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश का यहां पर 9वें स्थान दिखाई देता है बेसिकली। वहीं पर औसत लिंगानुपात की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का तो 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार के रूप में। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में भी उत्तर प्रदेश का 14वें स्थान के रूप में यहां पर देखने को मिल रहा है बेसिकली। अर्थात यहां पर अगर देखा जाए तो 2001 से 2011 के दौरान वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि देखी जाए तो 14 की यहां पर वृद्धि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। लिंगानुपात में एक तरह से सभी राज्यों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का यहां पर 26वां स्थान है, यह बात आपको याद रखनी है यहां पर दोस्तों बेसिकली। यहां पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग की यहां पर लिंगानुपात में कमी देखी गई है और वो कमी 14 की कमी देखी गई है बेसिकली। उत्तर प्रदेश के जो जनसंख्या के संबंध यहां पर उत्तर प्रदेश के साक्षरता के संबंधित जो आंकड़े हैं उन साक्षरता के संबंधित आंकड़ों को अगर 2011 के अनुसार देखें तो लगभग उत्तर प्रदेश की यहां पर साक्षरता है 67.72% और 67.72% के रूप में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के औसत साक्षरता के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अन्य आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः 2011 में 77.3% और 57.2% की देखने को मिल रही है बेसिकली। वहीं पर 2001 से 2011 के दौरान यहां पर पुरुष व महिला साक्षरता में वृद्धि के अगर रूप में देखा जाए तो करीब करीब 8.9% की और 15% की यहां पर वृद्धि देखने को मिल रही। उत्तर प्रदेश में अगर साक्षरता में स्थान देखा जाए 2011 के अनुसार तो सभी राज्यों के संदर्भ में यहां पर 29वां स्थान बना हुआ है उत्तर प्रदेश का, यह बात आपको याद रखनी है। यहां पर परीक्षा की बहुत उपयोगी एक तरह से सामग्री है ये, और इस तरह से यहां पर 29वां स्थान बना हुआ है उत्तर प्रदेश का बेसिकली। उत्तर प्रदेश के अब अन्य आंकड़े देखते हैं, यहां पर जो प्रश्नों की प्रकृति है उस आधार पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के आंकड़े कभी कभी एक तरह से यहां पर 5-5 डाटा के बेस पर पूछा जाता है या 4-4 डाटा के बेस पर पूछा जाता है, और उसी डाटा के बेस पर यहां पर कई क्वेश्चन बनते हैं। तो हम कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जहां पर संभावना है कि यहां पर ये आंकड़े आपको याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश की अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं घटते क्रम में, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ का स्थान आता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले जो घटते क्रम में।
वहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, बढ़ते हुए क्रम में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर का प्रमुख रूप से स्थान आता है। बेसिकली एक बार फिर यहां पर हम समझते हैं, महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है और ललितपुर का प्रमुख रूप से स्थान आता है यहां पर उत्तर प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों के रूप में जो बढ़ते क्रम में हमने लिखे हैं बेसिकली। वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर हम पुरुष व महिला जनसंख्या के रूप में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में अगर देखा जाए तो इलाहाबाद का स्थान आता है, मुरादाबाद का स्थान आता है, गाजियाबाद का स्थान आता है, कानपुर नगर का आता है और लखनऊ का स्थान आता है यहां पर। वहीं पर एक तरह से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष यहां पर जनसंख्या का जब घटते क्रम में यहां पर देखते हैं तो वहीं पर सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में हैं, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ का प्रमुख रूप से स्थान आता है दोस्तों बेसिकली यहां पर। वहीं पर अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले यहां पर घटते हुए क्रम में देखे जाएं तो गाजियाबाद का स्थान आता है, वाराणसी का स्थान आता है, लखनऊ का आता है, संत रविदास नगर का आता है और कानपुर नगर का प्रमुख रूप से स्थान आता है यहां पर। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखे जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं यहां पर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिलों में ललितपुर आता है, सोनभद्र आता है, हमीरपुर आता है, महोबा आता है और चित्रकूट का प्रमुख रूप से स्थान आता है यहां पर। अगर हम अन्य आंकड़ों की और बात करते हैं तो साक्षरता के मामले में सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं वो आपको याद रखना है। यहां पर आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर आपका कानपुर नगर है, तीसरे स्थान पर औरैया है और चौथे स्थान पर इटावा है और पांचवें स्थान पर गाजियाबाद बना हुआ है। आपको यहां पर याद रखना है ये सारे के सारे 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं बेसिकली। वहीं पर न्यूनतम औसत साक्षरता की अगर हम बात करें तो उसके 5 जिले हैं यहां पर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर का प्रमुख रूप से स्थान आता है बेसिकली। अर्थात श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है और रामपुर का प्रमुख रूप से स्थान आता है बेसिकली। यहां पर अगर हम बात करें यहां पर महिला साक्षरता की तो महिला साक्षरता की यहां पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले जो घटते क्रम के रूप में अगर देखा जाए तो कानपुर नगर का प्रमुख रूप से स्थान आता है, उसके बाद लखनऊ का आता है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर का आता है, उसके बाद औरैया का है और फिर गाजियाबाद का प्रमुख रूप से स्थान आता है। जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले यहां पर हैं, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच है, बदायूं है और रामपुर का प्रमुख रूप से स्थान आता है यहां पर। तो आपको याद रखना है यहां पर कि श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और यहां पर बेसिकली क्या है कि रामपुर का प्रमुख रूप से स्थान यहां पर देखने को मिलता है न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिलों की अगर हम बात करें बेसिकली। अन्य आंकड़ों के रूप में अगर हम देखें यहां पर तो पुरुष साक्षरता को भी एक तरह से नजर डाल देते हैं कि पुरुष साक्षरता क्या चल रही है जिलेवार। और जिलेवार अगर हम पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले यहां पर दिखाई देते हैं, गौतम बुद्ध नगर दिखाई देता है, औरैया दिखाई देता है, इटावा दिखाई देता है, गाजियाबाद और झांसी का प्रमुख रूप से स्थान आता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ। वहीं पर सबसे कम पुरुष एक तरह से साक्षरता वाले 5 जिले यहां पर हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर का प्रमुख रूप से स्थान आता है बेसिकली। यहां पर यह बढ़ते हुए क्रम में पुरुष साक्षरता के आंकड़े हैं जबकि यहां पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों में घटते क्रम में हमने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं बेसिकली। इन आंकड़ों को आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध एक तरह से औरैया, इटावा, गाजियाबाद और झांसी का स्थान आता है, वहीं पर श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर का प्रमुख स्थान देखने को मिलता है इन सारी की सारी आंकड़ों में। वहीं पर दशकीय वृद्धि की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि है वो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले जो हैं वो घटते क्रम में हैं, गौतम बुद्ध नगर है,
श्रावस्ती है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, श्रावस्ती है और बलरामपुर का प्रमुख रूप से स्थान आता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो न्यूनतम 10 के वृद्धि वाले 5 जिलों में जो बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो कानपुर का स्थान आता है, हमीरपुर का स्थान आता है, बागपत का स्थान आता है, फतेहपुर का स्थान आता है और देवरिया का स्थान आता है। बेसिकली एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक 10 के वृद्धि वाले 5 जिले यहां पर जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, श्रावस्ती है, बहराइच और बलरामपुर का प्रमुख स्थान है। वहीं पर न्यूनतम यहां पर 10 के वृद्धि वाले 5 जिले हैं, कानपुर है, हमीरपुर है, बागपत है, फतेहपुर है और देवरिया का प्रमुख रूप से स्थान यहां पर देखने को मिलता है। बेसिकली वहीं पर अन्य आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात की तरफ चलते हैं। लिंगानुपात का अगर हम देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले यहां पर घटते क्रम में है, जौनपुर है, आजमगढ़ का प्रमुख स्थान आता है, देवरिया का प्रमुख स्थान आता है, प्रतापगढ़ का प्रमुख स्थान आता है और सुल्तानपुर का प्रमुख रूप से स्थान यहां पर देखने को मिलता है। वहीं पर न्यूनतम यहां पर अगर देखा जाए तो लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत हमीरपुर है, मथुरा बांदा कानपुर तीनों एक साथ हैं और वहीं पर औरैया यहां पर प्रमुख रूप से स्थान के रूप में देखा गया है। तो आपको यहां पर याद रखना है कि गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर यहां पर अलग है, मथुरा बांदा कानपुर यहां पर अलग है और औरैया के आंकड़े एक तरह से अलग देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। बेसिकली उत्तर प्रदेश के अगर हम अन्य जानकारियों की बात करें, ये अक्सर यहां पर जो है ये आंकड़े बेसिकली अगर देखे जाए सारे के सारे आंकड़े ये वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में बनते हैं बेसिकली। और वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में बनते हैं तो शिशु मृत्यु दर 2016 के अनुसार 43 प्रति हजार बनी हुई है उत्तर प्रदेश की। वहीं पर जन्म दर की अगर हम बात करें तो वो भी 2016 के अनुसार 26.2 प्रति हजार बनी हुई है और शहरी जन्म दर 2016 के अनुसार 22 यहां पर शहरी एक तरह से जन्म दर यहां पर 2016 के अनुसार 22.8 प्रति हजार बनी हुई है बेसिकली। वहीं पर ग्रामीण जन्म दर 2016 के अनुसार 27.3 प्रति हजार देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मृत्यु दर की तो 2016 के अनुसार 6.9 प्रति हजार उत्तर प्रदेश की मृत्यु दर बनी हुई है यहां पर। ग्रामीण मृत्यु दर की अगर हम बात करें 2016 के अनुसार तो 7.3 प्रति हजार है। वहीं पर शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो 5.5 प्रति हजार उत्तर प्रदेश की बनी हुई है यहां पर। वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर हम कुल प्रजनन दर देखें 2016 के अनुसार तो ये लगभग 3.1 बनी हुई है यहां पर। वहीं पर ग्रामीण व शहरी प्रजनन दर क्रमशः उत्तर प्रदेश में 3.4 और 2.4 बनी हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत में कुल दिव्यांग आबादी में उत्तर प्रदेश में लगभग 15% आबादी यहां पर रह रही है बेसिकली। वहीं पर अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें तो कुल यहां पर ग्रामीण जनसंख्या व उसका अगर हम प्रतिशत देखें उत्तर प्रदेश का तो ऐसी कंडीशंस में 77.73% बनी हुई है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के रूप में यहां पर। वहीं पर हमें एक बात और याद रखनी है यहां पर कि देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं पर यहां पर कुल यहां पर बड़े राज्य में जो देखा जाए बड़े और छोटे नगरों की अगर हम बात करें यहां पर तो राज्य में छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या यहां पर अगर देखा जाए तो 915 के लगभग बनी हुई है वहीं पर। वहीं पर अगर देखा जाए तो 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगर है करीब करीब उत्तर प्रदेश में 64। वहीं पर 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लगभग 7 है उनकी संख्या यहां पर। वहीं पर 10 लाख या अधिक नगरीय आबादी वाले एक तरह से यहां पर जिले अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या आती है 12। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या एक तरह से 12 देखने को मिल रही है बेसिकली। उत्तर प्रदेश में अगर ग्रामीण आबादी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम ग्रामीण आबादी की बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं घटते क्रम में इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर और गोरखपुर का प्रमुख स्थान आता है बेसिकली।
वह सबसे कम ग्रामीण आबादी वाले जिले यहां पर उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर का स्थान आता है, महोबा का स्थान आता है यहां पर, यहां पर हमीरपुर का स्थान आता है, चित्रकूट का स्थान आता है और बागपत का प्रमुख रूप से स्थान आता है उत्तर प्रदेश का यहां पर। वहीं पर अगर हम बात करें यहां पर तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिले की अगर हम बात करें तो घटते क्रम में जिले हैं, गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है और मेरठ का प्रमुख रूप से स्थान आता है। यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों। वहीं पर सबसे कम शहरी आबादी वाले जिले यहां पर बढ़ते क्रम में एक तरह से यहां पर देखा जाए तो श्रावस्ती का स्थान आता है, चित्रकूट का स्थान आता है, कौशाम्बी का स्थान आता है, संत कबीर नगर का स्थान आता है और महाराजगंज का स्थान यहां पर आता है उत्तर प्रदेश का। तो यहां पर आपको याद रखना है कि श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीर नगर और महाराजगंज का प्रमुख रूप से स्थान आता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। वहीं पर उत्तर प्रदेश के नगरीकरण प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले उत्तर प्रदेश में घटते क्रम में है, गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, गौतम बुद्ध नगर है और मेरठ का प्रमुख रूप से स्थान आता है दोस्तों, यहां पर यह आपको याद रखना है। वहीं पर दूसरी तरफ सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले जिले की अगर हम बात करें तो सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले अगर हम जिलों की अगर हम बात करें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ का प्रमुख रूप से स्थान आता है। ये आंकड़े आपको याद रखना है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाले जिले हैं यहां पर श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, सुल्तानपुर है और प्रतापगढ़ का प्रमुख रूप से स्थान आता है दोस्तों। तो आगे हम आंकड़े लेकर चलते हैं। 10 लाख या अधिक आबादी वाले यहां पर अगर हम यहां पर वैधानिक नगरों की अगर हम बात करें तो वैधानिक नगरों की अगर हम बात करें तो लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है और इलाहाबाद का प्रमुख रूप से स्थान आता है क्रमशः देखा जाए। और जबकि एक तरह से 10 लाख या अधिक आबादी वाले नगरीय संकुलन की अगर हम बात करें तो यहां पर आबादी के घटते क्रम में अगर देखा जाए तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ व इलाहाबाद के प्रमुख रूप से स्थान आता है। यहां पर ये आंकड़े आपको याद रखने हैं यहां पर दोस्तों बेसिकली। वहीं पर एक बात और याद रखना है कि सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय प्रतिशत वाला यहां पर जिले के रूप में अगर देखा जाए तो गाजियाबाद का प्रमुख रूप से स्थान आता है और श्रावस्ती का प्रमुख रूप से स्थान आता है दोस्तों। ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है बेसिकली। उत्तर प्रदेश के अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें तो कुछ एक तरह से अन्य आंकड़ों में अगर हम देखते हैं तो देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य यहां पर आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग एक तरह से यहां पर एससी वाले राज्य के रूप में अगर देखा जाए तो 16.6% की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में रह रही है यहां पर। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो राज्य में कुल एससी जनसंख्या और प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर एक तरह से आपको याद रखना है प्रतिशत केवल और केवल 20.19% यहां पर एससी आबादी है। वहीं पर सबसे अधिक और सबसे कम आबादी वाले जिलों में अगर देखा जाए तो सीतापुर और बागपत का प्रमुख रूप से स्थान आता है बेसिकली। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें यहां पर तो सर्वाधिक व सबसे कम एससी प्रतिशत वाले अगर हम जिले की अगर बात करें तो कौशाम्बी का दोस्तों यहां पर स्थान है और कौशाम्बी के अलावा यहां पर बागपत का प्रमुख रूप से स्थान देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले अगर हम घटते क्रम में देखें तो सीतापुर है, इलाहाबाद है, हरदोई है और आजमगढ़ और खीरी का प्रमुख रूप से स्थान आता है बेसिकली। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो न्यूनतम एससी आबादी वाले जिले बढ़ते क्रम में अगर देखें तो बागपत का प्रमुख रूप से स्थान आता है और बागपत के अलावा यहां पर श्रावस्ती का प्रमुख रूप से स्थान आता है, गौतम बुद्ध का प्रमुख रूप से स्थान आता है, महोबा का प्रमुख रूप से स्थान आता है और ललितपुर का प्रमुख रूप से स्थान यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। वहीं पर सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाले जिले अगर हम देखें तो एससी प्रतिशत वाले एक तरह से अगर हम जिलों की बात करें तो कौशाम्बी आता है, हरदोई आता है, उन्नाव आता है और रायबरेली का एक तरह से यहां पर स्थान आता है बेसिकली। वहीं पर न्यूनतम एससी
प्रतिशत वाले जिले अगर हम पांच देखें तो न्यूनतम एससी प्रतिशत वाले पांच जिलों में एक तरह से यहां पर बढ़ते क्रम में अगर इनका आंकड़ा देखें तो बागपत का आता है, बलरामपुर का आता है, गौतम बुद्ध नगर का आता है यहां पर प्रमुख रूप से स्थान, और यहां पर ये सारे के सारे आंकड़े आपको देखना है। वहीं पर एक तरह से राज्य में कुल एसटी जनसंख्या व प्रतिशत अगर देखा जाए तो 2011 के अनुसार यहां पर लगभग अगर प्रतिशत की बात करें तो एसटी आबादी का प्रतिशत अगर हम देखें यहां पर तो 0.57% बना हुआ है बेसिकली, और 0.57% बना हुआ है। वहीं पर सर्वाधिक व सबसे कम एसटी आबादी वाला जिले के रूप में अगर देखा जाए तो सोनभद्र का स्थान आता है और बागपत का प्रमुख रूप से स्थान आता है बेसिकली। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सर्वाधिक व सबसे कम एसटी प्रतिशत वाले जिले के रूप में अगर देखा जाए तो सोनभद्र और बागपत का ही यहां पर प्रमुख रूप से स्थान देखने को मिल रहे हैं बेसिकली इन सारी की सारी चीज। वहीं पर यहां पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक एसटी आबादी वाले पांच जिले घटते क्रम में अगर देखें हम दोस्तों तो घटते क्रम के रूप में अगर देखा जाए तो सोनभद्र का स्थान आता है, बलिया का स्थान आता है, देवरिया का स्थान आता है, कुशीनगर का स्थान आता है और ललितपुर का स्थान यहां पर देखने को मिलता है। वहीं पर दूसरी तरफ सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले पांच जिले घटते क्रम में अगर देखा जाए तो सोनभद्र का स्थान आता है, ललितपुर का स्थान आता है, देवरिया का स्थान आता है, बलिया का स्थान आता है और कुशीनगर का प्रमुख रूप से स्थान देखने को मिल रहा है यहां पर। वहीं पर न्यूनतम एसटी आबादी वाले पांच जिले बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो बढ़ते क्रम में अगर हम देखें तो बागपत का स्थान है, कन्नौज का स्थान है, बदायूं का स्थान है, एटा का स्थान है और कासगंज का प्रमुख रूप से स्थान यहां पर देखने को मिलता है। अर्थात बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा और कासगंज का प्रमुख रूप से स्थान देखने को मिलता है दोस्तों। वहीं पर न्यूनतम एसटी आबादी वाले पांच जिले अगर हम बढ़ते क्रम में अगर हम कहें तो बढ़ते क्रम की अगर हम बात करें तो बढ़ते क्रम में बागपत है, कन्नौज है, बदायूं है, बुलंदशहर है और मुजफ्फरनगर का प्रमुख रूप से स्थान आता है यहां पर। अगर हम अन्य आंकड़ों की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक एक तरह से लगभग 20.3% बने हैं। वहीं पर 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिम सर्वाधिक है लगभग 19। यहां पर कुल जनसंख्या में एक तरह से अल्पसंख्यकों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो मुस्लिमों का प्रतिशत 19.26% के रूप में बना हुआ है यहां पर। दूसरे स्थान पर सिख है, तीसरे स्थान पर यहां पर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, जबकि हिंदू की सर्वाधिक एक तरह से जनसंख्या है यहां पर बेसिकली। लेकिन अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के मामले में करें तो मुस्लिम की जनसंख्या यहां पर सर्वाधिक दिखाई देती है बेसिकली। वहीं पर जनसंख्या के घटते क्रम में यहां पर अगर देखें अल्पसंख्यकों का आंकड़ा और जनसंख्या के घटते क्रम में देखें तो सर्वाधिक मुस्लिम है, फिर सिख है, ईसाई, जैन और फिर बौद्ध का स्थान आता है यहां पर। यह बात आपको याद रखनी है। वहीं पर आपको कुछ और आंकड़े भी हैं कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है उत्तर, यह बात आपको याद रखनी है। वहीं पर प्रदेश में यहां पर अगर हम देखें प्रदेश में 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले जिले हैं 2011 के अनुसार 21 यहां पर, और सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला यहां पर रामपुर के रूप में जाना जाता है और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला यहां ललितपुर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखनी है। वहीं पर सबसे यहां पर सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय की अगर हम बात करें तो ईसाइयों का सबसे ज्यादा है और सिखों का सबसे कम एक तरह से यहां पर लिंगानुपात देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। वहीं पर सबसे अधिक व सबसे कम वृद्धि वाले यहां पर धार्मिक समुदाय की अगर बात करें तो सबसे अधिक ईसाइयों का एक तरह से वृद्धि दर रहा और वहीं पर सबसे यहां पर कम रहा किसका, बौद्धों का, ये एक तरह से देखने को मिल रहा है बेसिकली, ये ऋणात्मक है यहां पर बेसिकली। तो ये हो गए आपके उत्तर प्रदेश के जनसंख्या से संबंधित आंकड़े। हम इसी तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां लेते आते रहेंगे क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है हिंदी माध्यम की कि परीक्षाओं के लिए क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है।
ये जानकारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान में रखकर आपको यहां पर अध्ययन करना है बेसिकली, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए प्राथमिक परीक्षाओं का पैटर्न तो यहां पर राज्य स्तरीय परीक्षाओं में राज्य से संबंधित प्रश्न एक तरह से रहते हैं, और राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जब राज्य से संबंधित प्रश्न रहते हैं तो राज्यों के उस पोर्शन को हमें मजबूत कर चलना होगा जिससे हमारे ज्यादा से ज्यादा एक तरह से प्रश्न बनते हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनते हैं तो आपको इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे, इस परीक्षाओं के संदर्भ में जितनी हेल्प हो सकती है यहां पर करते रहेंगे। आपको हमारे चैनल कैरियर वर्ल्ड को यहां पर सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको एक तरह से यहां पर बच्चों तक पहुंच सके इसको फैलाना है, शेयर करना है आपको, जिसके माध्यम से एक तरह से हमारी जानकारी उन तक पहुंच सके कि उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक तरह से क्लास में हम आएंगे जिसमें हम अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लेकर आएंगे कि अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारियां उत्तर प्रदेश के लिए क्या पढ़ना है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में क्या क्या एक तरह से प्रश्न बन चुके हैं और क्या क्या बनने की संभावना है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।